ठीक है, कसाईयों नाउ के वी सारे आर दोस्त लाइव। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज जैसा कि हमने सर नदीम शाह को इनवाइट किया है अपने पेज पर, हमारे दोनों पेजेस पे, आदम जी के पेज पे भी और उमैर मलिक रहमान वाले पेज पर भी। अच्छा सर, हम वैसे तो सभी आपको जानते हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन पहला सवाल जो मैं आपसे रखना चाहूँगा वो आपका जर्नी। हमें सबको सुनने का बहुत शौक है कि माशाल्लाह इतनी दिहाइयों से आप जो है ना वो इस एजुकेटिव फील्ड में है, तो क्या हुआ था ऐसा कि आप एक प्रोफेशनल अपना कैरियर को लिया और ऐसी डेडिकेशन से लिया कि दुनिया दीवानी हो गई? जी असल में जुनैद, आपके वॉइस का जो सिस्टम है सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। वैसे मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, वॉइस में थोड़ा मसला है। मीन बीच में ब्रेक हो रही है वॉइस। ठीक है, अगर आप लाइव है तो वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उमेर और आपकी जितनी टीम है उन सबको मेरी गुड विशेस, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं, और हम जैसे लोग जो अभी चले हुए कारतूस बन गए तो उसका भी अफादियत आप घर में बैठ के हमसे ले रहे हैं। बेटा, सवाल जो आपने किया है ये, इस पर तो पूरी किताब लिखी जाती है। स्टोरी है बहुत खतरनाक किस्म की, बड़ी लंबी स्टोरी है। बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड था वो इंतहाई एक हेलो 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 उमैर, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो हेलो। जी सर, जी, डिस्कनेक्ट हुआ है बेटा, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। थोड़ा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया सर। आप इसको क्लियर जी कर जी दें, आप वैसे मसला जी नहीं है। वॉइस वाला देख लें क्या हो रहा है, कि उसको क्लियर कर दें। सर, नहीं मैं ये कह रहा था कि वो अब लाइव रहेगा, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो भी जाऊं तो आप बात करते रहिएगा, वो लाइव रहेगा। ठीक अच्छा है अच्छा ठीक है ठीक है। जी सर। हाँ तो बेटा ये एक लंबी जर्नी है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो बेसिकली एक इंतहाई ऐसे घराने से था जो बहुत ही गरीब घराना था। वालदा जॉब करती थी, वालिद सही बेचारे जॉब सर्च करते थे, तो मसले मसाइल होते थे। वो लियारी में रहता था मैं, चाकीवाड़ा में। तो बस दिल में बड़े सही अरमान थे कि बड़ा आदमी बनो। कैसे बनो? बड़े आदमी बनने के बहुत से, क्योंकि जिस जगह हम रहते थे वहाँ डकैत भी रहते थे, चोर भी रहते थे, वहाँ पढ़े लिखे लोग भी रहते थे। तो सही जो चोर डकैत वाला थे उनकी तो बड़ी सही टोर थी, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, मार्क टू वगैरह, ये वो जीपों में घूमते थे, उनके बच्चे बड़े। तो हमने कहा बड़ा आदमी बनना है लेकिन ऐसे नहीं बनना है, सही बस ये फोकस था दिमाग में, बड़ा आदमी बनना है ऐसे नहीं बनते बनना है, लेकिन अगर ऐसा ही कोई बड़ा आदमी बनता है तो बड़ा आदमी बनना ही नहीं है फिर। तो शुरू में ये फोकस था, फिर माँ बाप की बड़ी तरबियत थी, माँ बाप वालिद की सही बड़ी तरबियत थी, वालिद मेरे आलिम दीन थे, तो शुरू से ही मजहब में रखा, दीन में रखा, माशाल्लाह। दीनी बातें। मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो बालिग होने से पहले ही सने बलूगत की बातें अपने बाप से सुन लेते हैं, और जब वो बालिग हो जाते हैं तो उसको सारी बातें जी पहले से जी मालूम हो। तो मैं उस खुश नसीबों में से हूँ जिसको आपने सही एक नौजवान बच्चे को जवान होने से पहले सब कुछ, जो भी बच्चों को मसाइल होते हैं वो सब अब बाप ने डिस्कस कर लिए थे उसे। तो सही जब हम उस एज में आए 13 14 15 साल की उम्र में, तो और हमारे साथ जो कैफियतें होती रही तो वो हम अपने अब्बा से डिस्कस करते थे कि वही हमारे दोस्त थे। फिर मेरे साथ मेरा छोटा भाई था, वो 1 डेढ़ सही साल छोटा था, तो हम साथ थे बस। तो ये हमारा छोटा वो था एक। फिर लंबी स्टोरी है, अब इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। फिर पढ़ाई के साथ साथ जो है मजदूरी शुरू कर दी, जी जी मैट्रिक कर लिया, जवान हो गए, दाढ़ी मूछ आने लग गई, तो मजदूरी कर ली, रस्सी बनाने की सही फैक्ट्री में काम कर लिया,
लैक्सन टोबैको में सिगरेट के पैकेट सही बनाते और उसको कार्टून में डालते और फिर कार्टून को अपने गंदे में डालकर और फिर हम लोग डालते थे उसमें गोडाउन वगैरह में डालते थे, ट्रक में लोड करते थे। 12 रुपये पर डे मिलते थे, साथ पढ़ाई सही भी चलती थी, साथ पढ़ाई भी चलती थी। तो ये 1980 में मैट्रिक किया मैंने और 1982 में सही मैंने इंटर किया। इंटर करके फिर मैं शिफ्ट हुआ यहाँ पर फेडरल एरिया में, और चूंकि अकाउंट्स वगैरह का मुझे सही पहले से ही बहुत शौक था, तो मोहल्ले के लड़के जो थे बच्चे उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था। और मुझसे 2 साल छोटे, 3 साल छोटे, मैं पूछता आप क्या कर रहे हो, मैट्रिक में हो, आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो। तो चूंकि बेस हमारी बहुत स्ट्रांग थी पढ़ाई की, हमारी अम्मी जान जो थी वो खुद टीचर थी और अब्बा भी आलिम सही दीन थे, तो अंदर से रूह हमारी अल्लाह पाक ने माँ बाप के जरिए से पाक रखी। सही तो बस वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो किसी को उर्दू पढ़ा रहे हैं, कि मेरी अम्मी उर्दू की टीचर है बड़ी ज़बरदस्त, अल्लाह ताला सही उनको लंबी उम्र दे। अभी भी हम अपनी अम्मी से कभी कोई आमीन लफ्ज़ फंस जाता है तो अपनी अम्मी से पूछते हैं, और अपनी अम्मी से लफ्ज़ नहीं बताती बल्कि उसकी तशरीह कर देती है पूरी। तो किसी को उर्दू पढ़ा दिया, किसी को माशाल्लाह इंग्लिश पढ़ा दिया। तो जब कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा आया, कह रहे कि नदीम भाई, मोसवा नदीम भाई थे हम, नदीम भाई अकाउंटिंग समझ में नहीं आ रही है हमें, सही कहीं हम पढ़ रहे हैं। मैं गाओ मैं तुम्हें समझाऊँ, जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट समझाया, लेजर समझाया। तो बस अल्लाह ताला ने किया कुछ, फिर उसी दौरान एक साहब के बेटे को मैंने पढ़ाया, वो काफ़ी नालायक सा बच्चा था, तो वो घर में जाके सलाम भी करने सही लगा, अपने बाप से अदब से बातें भी करने लगा, अपने बाप के पैर भी दबाने लगा। तो उसने देखा ये अचानक मेरे बेटे को क्या हो गया, 15 साल का है, ये तो इंतहाई बदतमीज था, ये किसके साथ बैठता है। तो जब उन्होंने एक दफा खेला तो बच्चा, इत्तेफाक से उसका नाम भी नदीम ही था, तो अब्बा ने सही पूछा कि तुम्हें वो समझाते कौन है सारी बातें, तुमने इशारा मेरी तरफ किया। तो मैं बैठा हुआ था ऐसे ही चबूतरे पे, तो मेरे पास आए, कर आप क्या करते हो बेटा। मैंने कहा सर मैंने इंटर किया हुआ है और बस अभी एग्जाम दिया, रिजल्ट आया तो पास। मैं से मजदूरी वजदूरी मैं करता हूँ, लेकिन अब मैं कोई व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर इंडस सही पेंसिल इंडस्ट्रीज, जो डियर डियर पेंसिल है ना, वहां पर गया, हमारे एक सेल्स ऑफिस में असिस्टेंट जी। अकाउंटेंट की स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने की असामी एक वैकेंसी आई हुई है, तो आप करोगे। मैंने कहा यार अंधे को दो आंखें चाहिए होती हैं, मैं क्यों आंखें चाहिए। तो खैर मैं दूसरे दिन गया वहां पर, तो उनके सिद्दीक इस्माइल साहब जो वहां के मालिक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे इनको सवाल पूछे, कुछ उर्दू में पूछे, फिर राइटिंग मेरी देखी, फिर देखा शौक किस चीज़ का है। मैंने कहा मुझे तो अकाउंट्स का बहुत शौक है, तो कह रहे आप हमारे अफसर में अकाउंट्स में, तो खैर यहाँ बड़े बड़े अकाउंटेंट बैठे हुए हैं पुराने पुराने, आप मेरा ये स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करेंगे खाली। फिर उस जमाने में टाइपिंग बहुत बड़ी सही चीज थी, तो मैंने बातों बातों में ऐसे ही कहा, एक दिन मैं जरा सा लेट हो गया था ऑफिस, तो कहने के आज आप लेट हो गए बेटा। तो मैंने कहा सिद्दीक साहब मैं ऐसा मैं टाइपिंग सीखता हूँ। कहे तो टाइपिंग सीखने की ज़रूरत क्या है, तुम मेरे यहाँ पर लेटर टाइप कर लिया करो, तो मैं तो एक एक उंगली से टाइप करता सही हूँ, तो तुम कर लो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 950 रुपये तनख्वाह दी उन्होंने मुझे, 900 रुपये, और उस वक्त मेरी अम्मी जब टीचर थी तो अम्मी की 600 रुपये तनख्वाह थी। डेट वॉज द टाइम जिसमें मतलब इट वॉज द टर्निंग टाइम ऑफ माई लाइफ। सही तो बस वो टर्निंग हो गई लाइफ की, और बस फिर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया मेरा। इन बिटवीन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर पार्ट बी कॉम पार्ट वन किया, बी कॉम पार्ट वन के बाद बी कॉम फाइनल में एडमिशन लिया। कुछ वजूहत हुई क्योंकि मैं अपने काम में बड़ा पंचुअल था, तो मैंने 2 साल इंडस पेंसिल में काम किया और मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, एक एक सिंगल छुट्टी भी नहीं की। सिर्फ एक मैंने हाफ डे सही किया था, एक हाफ डे, और वो मेरे नाना का इंतकाल हुआ था, तो मेरे बॉस ने खुश होकर मेरे सही वो हाफ डे भी नहीं काटा मेरा, कह रहे नहीं आपका फुल डे हम काउंट करेंगे, मतलब मीन हाफ डे आपके आपके तो आपको तो छुट्टी करनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने काम को इम्पोर्टेंस देता हूँ बहुत। तो बस एक जज्बा सही था मेरा जहन में कि मैं अपना काम करूँ तो ईमानदारी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना कुछ भी। मुझे पता था कि मैं सही चोर डाकू तो नहीं बन सकता हूँ पैसे कमाने के लिए, तो जो ये काम मुझे मिला है और तनख्वाह मुझे मेरी अम्मी से मतलब आधे गुना ज़्यादा मिली है, और मेरी अम्मी इतने सही ज़माने से पढ़ा रही है और मैंने तो अभी स्टार्ट किया, और तो मुझे 950 रुपये तनख्वाह मिल गई।
ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरी, तो बड़ा हाथ हमारा खुला हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि घर के हालात जरा बेहतर हो गए। 2 साल गुजरने के बाद बस फिर मैंने अपने बॉस से कहा कि सर मेरे बीकॉम फाइनल के एग्जाम्स हैं और बहुत सख्त स्ट्रिक्ट एग्जाम है, मैं मुझे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा जो स्टॉक रजिस्टर आप मेंटेन करते हो उसमें हमें 1 दिन की छुट्टी भी नहीं चाहिए, 2-4 दिन की छुट्टी तो चलेगी, आप तो पूरे 2 महीने की छुट्टी मांग रहे हैं। तो मैंने कहा सर मसला ये नहीं है, मसला ये कि मेरे एग्जाम जो है ना वो 2 महीने बाकी हैं और बीकॉम फाइनल काफी मुश्किल है। सही। तो उन्होंने थोड़ा माजरत कर दी कि बेटा ये मुमकिन नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। तो जाहिर है मेरे बॉस हैं, वो मुझे कुछ भी बोल सकते थे। उन्होंने कहा कि तुम बीकॉम करके करोगे क्या, क्या मेरी सीट पे बैठोगे? सही। तो मुझे है ना थोड़ा सा ये बुरा लगा, थोड़ा सा एक इंसान होता है ना, अब जाहिर है मैं 19 साल का बच्चा हूँ, तुम 20 साल का हो, कह रहा कि आप पढ़ के करोगे क्या, मेरी सीट पे बैठोगे क्या, तनख्वाह तो मिल रही है अच्छी खासी, तुम लोग को तेरी तनख्वाह मिल जाता तुम लोग का दिमाग घूम जाता है। तो उनका बेटा भी मेरे साथ जावेद जो है वो बीकॉम कर रहा था और उनको भी मैं अकाउंट्स पढ़ाता था, वो बाहर बैठ के ना बड़ा अच्छा लड़का है, आज के डायरेक्टर वही बना हुआ इंडस्पेंसर का। सही। तो मेरे मुंह से बात निकल गया वो, बस थोड़ी सी मैंने गुस्ताखी की, मैं कहा सर आप मुझे बताएं आपका बेटा बीकॉम क्यों कर रहा है, उसको तो जरूरत भी नहीं है, वो तो अमीर बाप का बच्चा है, मैं तो गरीब बाप का बच्चा हूँ, सही, आप मुझ जैसे लोगों को तो पढ़ाई में प्रमोट करें, आप उसको पढ़ा रहे हैं जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसका अब्बा करोड़पति अरबपति है जो ड्राइवर के साथ आता है। तो थोड़े से नाराज हुए, फिर दूसरे दिन मैं गया, मैंने माफी मांगी, वो समझ गए थे बच्चा है, तो मैंने रिजिग्नेशन दी। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा तुम जा तो रहे हो, अब मुझे कोई एक ऐसा लड़का दो कि जो सीट को संभाले। तो मेरा भाई था छोटा, मैंने उसको दिया, तो उसने वो संभाल लिया उसको। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बीकॉम के एग्जाम हुए, एग्जाम के बाद शहर के हालात खराब हो गए थे, शिया सुन्नी के फसाद वगैरह वो पुरानी बातें, अब्बा अब्बा को मालूम होंगे आपकी। तो रिजल्ट जरा डिले हो गया हमारा। सही। बहुत। अब मैं बड़ा परेशान कि मैं इंडस्पेंसर जाऊं तो वहां मेरे भाई भाई की जॉब जाती है। सही। वो मेरे भाई को निकाल देंगे और रेवेन्यू तो आ रहा है, मैंने अपने लिए रिजर्व रखे थे कोई 5-6 हज़ार रुपए संभाल के, और अम्मी को रेगुलर बेस पे वो पैसे मैं दे देता। तो अचानक मैंने ऐसी बस अखबार में एक इश्तेहार देखा कि टाइपिस्ट कम स्पोर्ट्स में हमें लड़के चाहिए। तो मैं स्पोर्ट्स में अल्लाह का शुक्र है जोन वोन खेला था, क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। सही। मैं गया ट्रायल दिए, मैंने ट्रायल में क्लियर हो गया मैं। उसके बाद कहा कि आपका रिटन टेस्ट होगा और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो मैंने कहा टाइपिंग स्पीड, तो उन्होंने कहा कि 35 वर्ड्स पर मिनट करेक्ट वर्ड्स, भले आप 50 वर्ड टाइप करेंगे उसमें हम करेक्ट काउंट करेंगे। सही। अच्छा मुझे टाइपिंग माशाल्लाह मेरी काफ़ी बेहतर थी, छोटा सा टाइपराइटर मैंने जो ये रद्दी से खरीद भी लिया था घर में, उसमें प्रैक्टिस में करता था। तो मैंने 45 स्पीड निकाली वहाँ पर टाइपिंग की। तो उन्होंने मुझे कहा नेक्स्ट टाइम आप आ जाएं, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया, माशाल्लाह वो भी क्लियर हो गया। तो हबीब बैंक में मेरी जॉब हो गई। हबीब बैंक में जो जॉब थी ना मेरी बेटी, बेटा वो मेरा ड्रीम कम ट्रू था, क्योंकि मेरे जो इंडस पेंसिल का जो मेरा ऑफिस था वहां से हबीब बैंक प्लाजा की बिल्डिंग नजर आती थी। तो मेरे ड्रीम था मैं लंच टाइम वगैरह में जाकर ना वहीं खड़ा होता था, मैंने कहा ये कौन लोग है जो अंदर बैंक में जाते हैं, मतलब ये कौन लोग है जो अंदर बैंक में जाते हैं, मैं ऐसे कभी जाऊंगा। तो बस वो अब हुआ, तो फजल महमूद साहब थे उस वक्त जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इमाम साहब थे, फजल महमूद साहब थे, ने कहा बेटा आपकी अपॉइंटमेंट तो हो गया, 6 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड है आपका, इसमें आपको छुट्टी वुट्टी नहीं करनी है कुछ भी, आपका तो ये तो हो गया, इंटरव्यू तो हो गया और अपॉइंटमेंट भी हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास, आप मुझे आप बताएं आपकी पोस्टिंग कहाँ करें। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा सर ये फजल महमूद साहब बड़े मुझे अच्छे लगे, बड़े पर्सनैलिटी थी, मैं कहा सर आप कहाँ पर होते हैं, कह रहा बेटा मैं तो अभी बैंक प्लाजा में होता हूँ, मैं कहा सर मुझे अपने पास रख दें, कह रहा यार मैं यही सोच रहा था कि मुझे ऐसी असिस्टेंट की जरूरत थी, मैं कहा ये बच्चा इतना समझदार है तो इसी को रख देते हैं। तो मेरा बस वो ड्रीम अल्लाह ने पूरा किया, कभी मोटरसाइकिल में बैठ के दोस्त वहाँ पर ऐसे ही चाय के खोके में अभी बैंक प्लाजा को देखते थे, बस बस से उतरे पैदल गए और अभी बैंक प्लाजा में जब घुसे और ठंडी हवा लगी, मैंने कहा अल्लाह पाक ने मेरी मेहनत को जो है ना उसका मतलब मेरी कामयाबी की एक सीढ़ी मुझे मिल गई, तो अल्लाह पाक का बड़ा करम था। फिर वहां पर मैंने अपनी जो है वो
स्पोर्ट्स भी करता रहा मैं, तो अच्छे लोग मिले, बहुत जावेद मियादाद साहब वो बहुत मोहब्बत करने वाले, रकीब सर थे जो क्रिकेट से वाकिफ़ हैं, वो इन सब लोगों को जानते, जावेद साहब को तो खैर कोई जानते, जावेद भाई को, और अब्दुल कादिर, सलीम मलिक, इन सब से जी हमारी मुलाकातें होती थी हमारी, वो मोटिवेट करते थे। अच्छा, फिर इन बिटवीन मैंने देखा, मैंने कि इतने बड़े बड़े स्टार हैं और ये आपस से बात करते हैं कि यार ये जो सीरीज आने वाली है, पता नहीं इनसे मुझे चांस मिले ना मिले। फिर मैं देखता था कि बहुत बहुत से ऐसे लड़के हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं, उनको अभी तक चांस नहीं मिला। मुझे टीम में तो ने ले लिया, ट्रॉफी भी खिला रहे हैं, सब खिला रहे हैं, लेकिन ये शायद मेरा फ्यूचर नहीं है क्रिकेट। तो मैंने फिर जावेद भाई से कहा कि जावेद भाई, मैं असल में जो है ना टोटली जो है ना वो बैंक में काम करना चाह रहा हूँ, मैनेजर साहब के पास। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा आपकी मर्जी है, अगर आप समझते हैं कि आप इसमें ऑफिस में काम करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं तो आप वो करें, फिर आप नेट वेट पे नहीं, मैं कभी कभी नेट पे आऊँगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे फुल फ्लैश जो है वो हमारे नज़ीर भाई से मैनेजर ने नेट पे रखा। इन बिटवीन मेरा बीकॉम का रिजल्ट आ गया, और उससे पहले मैंने बीए की तैयारी भी कर ली थी। मैं कहा पता रिजल्ट आए ना आए, क्योंकि उस वक्त ह्यूमर उड़ गई कि जो बीकॉम के पर हैं वो सब के सब जो है कॉपियाँ वगैरह सब वो जल गई हैं। तो मैं एहतियात ने मैंने बीए की तैयारी भी की। अच्छा रिजल्ट आ गया मेरा, रिजल्ट आने के बाद 4 दिन बाद बीए के पेपर थे, तो मैंने बीए के पेपर भी दे दिए। तो अल्लाह पाक का करम था कि मैंने डबल ग्रेजुएशन किया। फिर अल्लाह ने सब कुछ जो है ना बेहतर बेहतर किया, मैंने बीए भी किया। हेलो हुमैर, हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो, मेरी आवाज अगर रुमेर आपको आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें ताकि मैं कंटिन्यू करूं। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो सर, माजरत, मैं डिसकनेक्ट हो, वो थोड़ा सा नेट इशू हो गया था। हाँ, नहीं कोई अब कोई 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 इंसान मसला नहीं, कोई नहीं। मसला नहीं, कोई मसला अच्छा नहीं। अच्छा सर, ये तो थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन वाला साइड हो गया। नाउ द सेकंड थिंग इज कि ये जो कोचिंग की फील्ड में टीचिंग है, क्योंकि मैंने भी कुछ अरसा की है और अभी भी एक आध जगह पे पढ़ा रहा हूँ, तो लोग ना जी इसको जी बहुत वैल्यू नहीं करते। लेकिन मैंने देखा कि वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, जहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के टीचर के पास बच्चे का रिजल्ट होता है दबाने के लिए, स्कूल टीचर को भी पता होता है, लेकिन यहाँ बच्चे
को बस आपका, आपकी मोहब्बत, आपका लगाव और आपकी कॉम्पिटेंस बचाती है। तो आपका माशाल्लाह 84 से ऑनवर्ड्स अब तक का जो एक्सपीरियंस जी है जी जी कई डिकेड्स का, तो बताइए ये कितना, यानी इसकी डायनेमिक्स क्या है कोचिंग सेंटर की टीचिंग की? मतलब एज ए कोचिंग सेंटर टीचर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कैसा फील करते हैं, आपको कैसा लगता है? जी, या ये देखिए टीचिंग और बेटा, दूसरी जी टीचिंग से क्या देखिए डिफरेंस है? जी सर, देखिए बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। देखिए जी, दूसरा जो टीचर है ना, जैसे कॉलेज का टीचर है और स्कूल का जो टीचर है उसमें, और एक कोचिंग सेंटर की टीचर में जमीन आसमान का फर्क है। किस सेंस में? कि स्कूल का कॉलेज का टीचर सिक्योर है क्योंकि सही वह एक इदारे का एम्प्लॉय है। कोचिंग सही सेंटर का टीचर सिक्योर नहीं है। अगर वो सही बच्चे को मुतमईन नहीं कर सका तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, सही और वंस बच्चे ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो अपनी जगह बना नहीं सकता फिर। सही तो जो कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट है उसमें अगर आपने अपनी जगह बना दी ना, उसको अगर आपने अपने मतलब गिरविदा बना दिया, अपना आशिक सही बना दिया, उसने आपसे फायदा उठाया और वो जब आपकी तारीफ करने लगा तो फिर आपकी सर्वाइवल है। लेकिन ये सही दिमाग में रखिए, सर्वाइवल उस वक्त तक है जब तक आप अच्छा कर रहे हो। जी जी स्कूल और कॉलेज में आप एक नॉर्मल टीचर के तौर पे भी जाएं, अगर सही वो आप किसी क्लास को सही मतलब एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको दूसरी क्लास में भेज देंगे और उस जगह पे दूसरी टीचर को रख देंगे। कोचिंग में ये, अगर आप पढ़ा भी रहे हैं और किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, वहां कंप्लेन्स आ गई तो वो आपको कोचिंग वाले भगा देंगे, कि जाए भाई आपकी तो जी कंप्लेन आ गई। सही तो कोचिंग सेंटर की जो टीचर्स हैं वो ज्यादा परफेक्ट होते हैं, ज्यादा मेंटली स्ट्रांग सही होते हैं। उनको पता है कि मेरी गलती की माफी नहीं है, मेरी तो सही नौकरी यहां से निकल जाएगी। तो वो वेल सही प्रिपेयर, इससे तो कोचिंग सेंटर चल गए क्योंकि टीचर यहाँ हाई क्लास हो गए ना, तो वो वेल प्रिपेयर सही होकर आता है वो। और दूसरी बात, जो बच्चा आपके सामने बैठा होता है, आपकी आपसे वो बाउंड नहीं है, आप सही उसको धमकी भी नहीं दे सकते हो कि मैं तुम्हारा एडमिट कार्ड रोक दूंगा, मैं तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करा दूंगा, क्योंकि सही वो एक आम सा बच्चा है, चलता हुआ आया आपके सेंटर में, घुसा, उसने आपसे फॉर्म लिया और चला गया, फीस जमा करा, 1 महीना है, अगले महीने का उसका पता नहीं है। टीचर कोचिंग सेंटर का वो कामयाब है कि जिसको ये पता हो कि ये बच्चा जो फर्स्ट टाइम में मेरे पास आया है ये ग्रेजुएशन तक मेरे पास ही रहेगा, और मुझे सही एतमाद है अपने ऊपर कि मैं उसको रोक पाऊंगा। सही अच्छा अगर मैं जी, नस्ली आप बात खानदान का करिए होगा तो रुक जाए, अगर नस्ली नहीं होगा तो मैं उसको खुद रिजेक्ट कर दूंगा। जाओ भाई, मतलब कोचिंग सही सेंटर में ये है कि हम बच्चा खुद निकालो, आप ही अब निकालो, जाओ यहाँ से, इंसान के बच्चे बनो। तो मुझे नहीं पता बाकी मेरे दोस्त कोचिंग सेंटर कैसे चला रहे हैं। मेरे तो कोचिंग सेंटर में सख्ती इतनी है कि बाकायदा बच्चों के एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा, लड़का लड़की पढ़ते हैं तो साथ हैं लेकिन वो आपस से बात नहीं कर सकते हैं। सही यहाँ तक कि अगर एक भाई और बहन एक क्लास में पढ़ते हैं तो भाई को इस बात की इजाजत नहीं है वो अपनी बहन से कोई चीज मांगे क्लास में, कि वो तो मुझे सही मालूम है ना कि वो उसकी बहन है, पूरी सही क्लास को तो नहीं मालूम है। सही मतलब अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि वो लड़का अपनी बहन के नाम पर ही बदनाम हो जाए, वो बच्ची अपने सही बहन से ही बदनाम हो जाए, पता चला बाद में उसका। तो हमने तो स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, चाहे आप सगे भाई हो, कजन वजन की बात तो बहुत दूर है, सही सगे बहन भाई होंगे तो भी आप, यानी कि आप आपस से बात नहीं करें। अगर कोई बच्ची है उसका भाई पढ़ता है तो बच्ची रजिस्टर लाकर काउंटर पे देती है कि मेरा भाई जब सही नीचे उतरेगा तो ये आप उसको रजिस्टर दे दीजिएगा, हालांकि वो उसी सही क्लास में बैठता है। तो ये आपको अपने जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं और उस पर आपको पाबंदी रखनी होती है। फिर आप सही बच्चे के ना हार्ड टचिंग चीजों पे आप काम करें, सही बच्चों के मसाइल क्या, ऐसे नौजवान बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उनको गुस्ल के तरीके नहीं मालूम है, तहारत के बारे में सही नहीं मालूम है, वो शर्म से किसी से पूछ भी नहीं रहे हैं, अब्बा के सही पास टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चे को ये तमाम चीजें बताएं। फिर उसको कैरियर काउंसलिंग है और सिलेक्शन ऑफ द कैरियर है, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स है, उसके और मसाइल हैं, कोई लड़की उसके दिमाग में आ गई है या उसके घर में भाई बहन है जो उसको परेशान करते हैं, या अब्बा अम्मा आपस में लड़ाई बहुत करते हैं, उसके जहन में बहुत से सवालात होते हैं। सही ये वो चीज होती है जिस पर आप बच्चे को पकड़ लेते हैं। सही बच्चा
आप बच्चे को खाली गुसल का तरीका सिखा दें, वो आपका आशिक हो जाता है। आपसे इतना बोले, बेटा आप स्मोकिंग करते हो ना, झूठ नहीं बोलो मुझे, तुम्हारी स्मेल आ गई मुंह से, स्मोकिंग करते ना, तुम्हारे फेफड़े खराब होंगे। तो बच्चा कहेगा, यार मेरे अब्बा को पता है मैं स्मोकिंग करता हूँ, अब्बा मुझे चमाड़ मारते हैं, खुद भी अब्बा सिगरेट पीते हैं, ये सर तुम इतने प्यार से मुझे बता रहे हैं। फिर बच्चे को बताओ, देखो लड़कियों के साथ तुम्हारी जब दोस्ती होती है, तुम्हें नुकसान किया है, कोने में लेकर बता दो उसको, सही, ये तुम्हारा दिमाग खराब होगा। फिर अगर क्लास में ज्यादातर लड़के हैं, मेरी क्लास में माशाल्लाह लड़कों की तादाद 100-125 के करीब होती है, लड़कियां तकरीबन 60-70 होती हैं, तो लड़कों से जब मुझे कोई पर्सनल बात करनी होती है, मैं लड़कियों से कहा, बेटा तुम जाओ जरा, बाप बेटे आपस में बात कर रहे हैं, तो बेटियां चली जाती हैं मेरी सारी, और लड़कों को मैं यही बातें समझाता हूँ, देखो बेटा ये एक वक्ती मजा है, जैसे बचपन में तुम्हें टॉफी अच्छी लगती थी, सही, लेकिन वो टॉफी खाने से अम्मी तुम्हें मना करती थी क्योंकि उससे दांत खराब हो जाते हैं, तुम्हें अब टॉफी क्यों नहीं अच्छी लगती, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी तुम्हारी वो शौक नहीं है, अब तुम्हें लड़कियां ऐसी अच्छी लगती कि तुम्हारे शौक है। एक वक्त ऐसा आएगा 20-25 साल की उम्र में, तुम कहोगे मेरे बड़ों ने मुझे मना क्यों नहीं किया, मैं तो बदकिरदार हो गया हूँ उसमें आकर। तो ये बच्चे को जब आप काउंसलिंग करते हो ना, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई के साथ साथ ही काउंसलिंग करते हो, फिर उसकी ड्रेसिंग पे बात कर ली, ये कपड़े बेटा ऐसे पहनो और बाल जरा अच्छे लग रहे हो, हीरो तो लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, लेकिन तुमने ऐसे बात बनाया तो ज्यादा अच्छे। फिर बच्चों को नमाज पर आप करें, हमारे तो बाकायदा शाह कॉमन इंस्टीट्यूट में जो गुलबर्ग में हम आए थे, जब बिल्डिंग हमने खरीदी थी, तो सबसे पहली चीज हमने वहां पर मस्जिद बनाई थी, अभी जाए नमाज और वजू खाना बनाया था। सही, आप पता है हमारी क्लास में मगरिब की नमाज जब होती है अजान, तो उस वक्त हमारी 6 के करीब जमातें होती हैं। सही, मतलब जमात हुई फिर चले गए, फिर दूसरी जमात हुई फिर चले गए, फिर तीसरी जमात हुई फिर चले गए, मतलब क्लास में अगर 200 बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो 200 बच्चों में से आप 80% बच्चा है जो वो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। तो हमने उसके लॉ बनाया कि जो नमाजी बच्चे हैं कुछ वजू करके बैठे, कुछ बाद में वजू करते, हम अपने यानी कि हमारा प्रॉब्लम ये कि बच्चे नमाज कहाँ पढ़ेंगे, ये वो बच्चे जो सिर्फ वो नमाज पढ़ते हैं जिस वक्त मेरे पास होते हैं। अब यही सख्ती अगर आप घर में करेंगे ना, तो बच्चा घर में ही पढ़ेगा नमाज। सही, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए ये बात लाजमी है कि बाप भी नमाज पढ़े, माँ भी पढ़े, बड़ा भाई भी पढ़े, चाचा भी पढ़े, मामू भी पढ़े। सही, तो अब ये जब तरबियत आप बच्चों को करते हो ना, देखो रूहानियत में और अच्छा काम करने में बच्चे को मजा आता है। अब जिसके जरिए उसने वो अच्छा काम किया होता है ना, वो उसको अपना रोल मॉडल बना लेता है। बिल्कुल, दिस इज द सक्सेस, दिस इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ शाह कॉमर्स, कि हम बच्चे को अपना गिरविदा बना देते हैं, उसको उस बुराइयों से हटाकर पहले उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग तो कोई भी पढ़ा देगा, मैथ तो कोई भी पढ़ा देगा, इंग्लिश तो उसको कोई भी पढ़ा देगा, तो कोचिंग सेंटर के टीचर अगर ये चीजें बीच में डाल दें, आप सोच आप यकीन करेंगे बच्चा उसको छोड़ के नहीं जाएगा कभी भी। सही, जितने भी कामयाब टीचर हैं, जितने भी बड़े बड़े कामयाब टीचर हैं, से कामरान है, मुकर्रम भाई है, अब्बास भाई है, तौसीफ शाह साहब हैं, और ये अपने सलीम भाई है हमारे, मौजम भाई हैं, आप उससे पूछिए आप पढ़ाते हैं, कह रहे हम पढ़ाते हैं, इससे आधा घंटा 15-20 मिनट हैं। जितने भी बड़े टीचर हैं वो टाइम घड़ी में टाइम नहीं देखते वो। सही, और बड़े टीचर की पहचान क्या होती है, जब उससे क्लास का टाइम खत्म हो जाए तो बच्चा कह रहा है टाइम का तो पता नहीं चला मैं, यही तो। सही, ये बड़े टीचर की पहचान होती है, और इसके लिए आपको ये जो मैंने कुछ चीजें बताई ये आप करेंगे तो बच्चा खुद गिरविदा हो जाएगा। सही, और अच्छा तफरी भी करनी है बच्चे को, पकाना भी नहीं है बच्चे को, ये अब्बा अब्बा के भी आप तफरी तफरी में समझाएं, अबे काफिर मरोगे, नमाज पढ़ ले, अल्लाह के बंदे नीचे तेरी जगह खोली है, चल मेरे साथ तू नमाज पढ़ेगा, प्यार में। सही, डांट डपट में नहीं, प्यार में। जी बेटा, जो मैं जो आपसे सवाल रखना चाह रहा था, क्योंकि आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब आपने ऐसा भी हुआ होगा कि बाप को भी पढ़ाया होगा, बाद में बेटे को भी आपने पढ़ाया होगा। हो रहा है, बिल्कुल, माँ को पढ़ाया, उसकी बच्चियां बेटे पढ़ रहे हैं। हम लोगों को ये इशू होता है अक्सर कोचिंग के टीचर्स को, कि जब एज बढ़ती है तो यूनिवर्सिटी के टीचर की तो वैल्यू बढ़ती है कि वो बड़ी उम्र, अच्छा जब एक कोचिंग सेंटर का टीचर बड़ी उम्र में आता है तो अब उसको उतनी जान लगानी है जो वो जवानी में लगा रहता है। अच्छा, बच्चे बड़ा इररिलेवेंट सा फील करेंगे कि यार ये तो बहुत एज डिफरेंस है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं, मतलब बच्चा शायद अपने किसी हम उम्र टीचर से भी अगर पढ़ रहा होगा तो, और तो आपसे पढ़ लेगा तो वो आपसे ज्यादा कनेक्ट होगा, और वो अपने यंग टीचर से भले वो उसका प्रोफाइल कुछ भी हो वो कनेक्ट नहीं करेगा, वो
शाज आपको नहीं भूलता बच्चा, नहीं ये गुण आज नहीं। ये देखिए बेटा क्या है, ये कि देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपने अपने आपको बड़ा बना दिया ना, अपना कद, आपका कद बड़ा हो गया है, अब आपका कद बड़ा हो गया है तो आप ये एक्सपेक्ट ना करके बच्चा भी आप ही की तरह सोचेगा। सही, अगर आपको एक कामयाब टीचर बनना है और जिस एज ग्रुप को आप पढ़ा रहे हैं तो आप सोचे कि इस एज ग्रुप में आप क्या करते थे, आपको क्या बातें अच्छी लगती थी, क्या लहजा अच्छा लगता था, बच्चों के साथ उस लहजे में आप बात करें। अबे कहाँ जा रहा है जानी, आ जा ना मेरे पास, अब ये लगा कहाँ जा रहे हैं आप, इधर है ये, वो कहेगा भाई पकाने आ गया अभी, और ये कहा अबे मेरी जान आज तो तू बहुत प्यारा लग रहा है, चल आज मेरे गले लग जा, चल हाथ मिला, मतलब ये बच्चा कहेगा ये तो मेरे जैसे बातें कर रहे, तो दोस्त की तरह बातें कर रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारा जो हमारी जो एज है 56 है, 34 इयर्स हो गया मुझे पढ़ाते हुए, मैं जिस एज ग्रुप के बच्चे को पढ़ाता हूँ वो 16 से स्टार्ट होता है और 20 में खत्म होता है। सही, 20 साल का 16 साल का एक बच्चा मेरे माइंड तक नहीं पहुंच सकता, मतलब मेरा कद बड़ा है ना, मैं ऊंचा हूँ 56 का हूँ, तो मुझे सिर्फ ऊपर देख नहीं पा रहा है, वो देख रहा है ऊपर, तो वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन बेटा मैं तो झुक सकता हूँ ना नीचे आकर, जहां पर वो खड़ा है मैं झुक के उसकी बात तो सुनूं। तो हम टीचर बताऊं क्या करते हैं, हम ऊपर से नीचे बच्चे को देख रहे होते हैं, और बच्चा हमें ऊपर देखता है, उसकी भी अपनी पर्सनालिटी होती है, वो साइड से निकल जाता है। अगर आपको बच्चे को अपना गिरविदा बनाना है तो झुक के उसे सुनना पड़ेगा, झुकके का मतलब है कि आपको उसकी एज में आना पड़ेगा, आपको अपना 16 साल की एज याद रखनी पड़ेगी, आपको अपनी 17 साल की एज याद रखनी पड़ेगी। जब आप इस प्रैक्टिस में आ जाओगे तो बच्चा कहेगा यार ये तो मेरी तरह से बातें करता है, बिल्कुल मिसाल के तौर पर पढ़ लीजिएगा वरना आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बच्चे ने बात बहुत सुन ली है। मैं क्या बोलता हूँ, पढ़ ले वरना मर जाएगा, बेगैरत पढ़ ले मर जाएगा, तेरा बाप बुढ़ा है, तेरे आश्रम में बैठा हुआ है, जैसे तेरा दादा तेरे अब्बा के आश्रम में बैठा हुआ है, क्या खिलाएगा अब्बा को, सिविल अस्पताल ले जाएगा प्यार में, वो बच्चा रोने लग जाता है, लिटरली बच्चे रोते हैं। मतलब आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि 18 साल का बच्चा रो रहा है, मैंने अपने लड़कों के आंखों में आंसू देखे जब उनको मैं इमोशनल बातें बताता हूँ ना, बाप के बारे में बताता हूँ कि तुम्हारे बाप ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानी दी है, बच्चे क्लास में लड़के मतलब इतने बेगरत होते हैं लड़के, वो रोने की बात तो बहुत दूर, वो रो रहे होते हैं, ये आंसू निकल रहे होते हैं। तो ये हमारा एक काम है, और हमारा जो तरबियत का कॉन्सेप्ट है, देखिए कोरोना ने तो अभी ये लोगों से हाथ मिलाना, हम समझते थे कि हाथ मिलाना शायद सलाम है, हमारे शाह कॉमर्स को मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सब अपने, आपने चूंकि मुझसे पूछा कि आपकी सक्सेस क्या है तो वो आपको सीक्रेट्स बता रहा हूँ। हम जब क्लास में आते हैं, हमारी क्लास में एक आदत है कि जैसे ही आपकी क्लास में आपका टीचर घुसेगा आपको मुंह भर के सलाम करना है, सही, अस्सलामु अलैकुम, फिर टीचर आएगा अपना माइक ऑन करेगा और फिर आपको वालेकुम सलाम बोलेगा। सही, और शुरू टीचर से हम कहते हैं कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करने, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बच्चा जब अल्लाह का नाम सुन के अपना काम शुरू करता है तो 8 से 10 मिनट तक कितों से सलाम किया, सलाम का जवाब मिल गया, फिर टीचर ने अल्लाह का नाम लिया तो 8-10 मिनट तक तो क्लास में सुकून है, फिर बच्चा चुलबुल चुलबुल करता है, फिर उसके जवाब आपके पास होने चाहिए तमीज के दायरे में, सही, बिल्ली की आवाज निकाल ली बच्चा निकाल देता है। फिर हम कहते हैं बिल्ली, जाहिर है जब शाह कॉमर्स इतनी तरक्की कर गया कि हमने बिल्ली के बच्चों को भी एडमिशन दिया यहाँ पर, सही, अब एक बच्चे ने कुत्ते की आवाज निकाल दी, मैं कहा यार मैं आप कुत्ते का बच्चा तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हो सकता है आप कुत्तों के साथ रहते हो, आपके अब्बा तो हम बाप को तो नहीं बोल सकते, मैं कुत्ते की आवाज कौन निकालता है बेटा, जिसके अब्बा घर में भौंकते होंगे, अब मैं क्या बोलूं आपको, तो वो बच्चा, अब मैं ये नहीं पूछता किसने आवाज निकाली, कोई भी नहीं बताया किसने मत निकाली, लेकिन वो बच्चा अंदरूनी तौर पे शर्मिंदा हो गया। सही, आप बोलते 90% केसेस में बच्चे आकर नीचे माफी मांगते हैं, बाबा वो आवाज मैंने निकाली, बच्चे मुझे बाबा कहते हैं, बाबा वो आवाज मैंने निकाल दी मुझे माफ कर दें। सही, आपने क्लास में मुझे, आप मुझे पॉइंट आउट भी कर सकते थे। सही, अब उस बच्चे को पता है कि मैंने बिल्ली की आवाज कुत्ते की आवाज निकाली है, सर को तो नहीं पता मैंने निकाली है, लेकिन मेरे बराबर वाले को तो मालूम है,
उसके बराबर वाले को मालूम है, उसके बराबर वाले को मालूम है, तो मैं मना कर देता हूँ, किसी को मालूम भी है तो मुझे नहीं बताना। सही, ठीक है, फिर बताऊं, आपस में लड़कों में फसाद पैदा हो जाता है। सही, तूने क्यों बताया भाई, नीचे लड़ाई झगड़ा। तो ये तरबियत आपको ना टेक्स्ट से चलना है, मतलब ये पूरी ट्रेनिंग है आपकी कि आप हाउ टू टीच, हाउ टू टीच में खाली के आपको अकाउंटिंग कैसे पढ़ानी है, आपके उसके दिमाग में उसको संभालना कैसे है बच्चे को। सही, अभी हमारी चल रही है। जी बेटा बोल पड़े, आप बोले। आप बोले का एक सवाल आया था कि जनरेशन गैप जो आ रहा है, यानी हमने अपनी जवानी या बचपन में कुछ और चीजें थी और अब ये टेक्नोलॉजी का, तो उसको कैसे बच्चों के साथ जो है ना वो मैनेज करते हैं आप? नहीं, उसमें आप क्या करें, बच्चे को अपग्रेड करें। बच्चे का भाई हम लोग तो फुद्दू खाते हैं, हमें तो पता नहीं मोबाइल क्या होता है, फलाना क्या होता है। मेरा पता, बच्चा बताओ फेसबुक में फलाना आईडी कैसे ऐड करते हैं, तो बच्चा कहेगा वाह यार सर तो मुझसे पूछ रहे हैं। अब उसने मुझे अगर बता दिया ना, मैं कहा तू तो मेरा उस्ताद बन गया। सही, तो जो टेक्नोलॉजी आई है उस टेक्नोलॉजी से हम लोग बाखबर नहीं है। सही, बच्चा बाखबर है। तो आप बच्चे को वैल्यू देकर, मिसाल के तौर पे यार ये मेरा मोबाइल है, मैं अक्सर क्लास में यार ये मेरा मोबाइल है मुझे बेचना है, कितने में बिकेगा, ऐसे बोलता हूँ मैं। सही, तो बच्चा अपने आप को कहता है बाबा ये बिकेगा 1 लाख में, कोई कहता 90 में, ये कहता है 1-10 में, मुझे दे दे मैं बिकवा दूंगा। आपने बच्चे को वैल्यू दी, ठीक है, आप उसको अहमियत दे कि तुम इस दौर के बच्चे हो, तुम्हें पता है कि जीबी, मुझे जीबी के बारे में नहीं मालूम था। सही, मुझे नए मोबाइल के बारे में नहीं मालूम है, मुझे यहाँ तक भी नहीं मालूम था जो हमारी चीज है फील्ड की, हम तो पुराने वक्त के हैं। सही, ये सरफेस बुक क्या होती है। सही, ये मेरे बेटे ने मुझे बताया कि बाबा आप ऑनलाइन क्लासेस हो रही है सरफेस बुक। तो जो नए दौर के बच्चे हैं उसको आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें, थोड़ा सा अब आपको अपडेट होना है कि इस वक्त मार्केट में चल क्या रहा है। पबजी चल रहा है तो क्लास में पबजी का जिक्र कर लिया, अबे मनुस रात भर जाग रहा था क्या, तू पबजी खेल रहा था क्या, तो बच्चा समझता है कि उस्ताद पीछे नहीं, उस्ताद उसको भी मालूम है। सही, मतलब आप उससे पूछ भी रहे हैं और आपको पता है मुझे बात मालूम है। सही, पबजी खेल तो अबे रात भर बैठ कर तो चैटिंग कर रहा होगा दोस्तों के साथ बैठकर, फालतू बातें कर रहा, पढ़ाई की तुमने एक बात भी नहीं की होगी। सही, अब वो बच्चे ने रात को तो बाकी भी बैठ के फेसबुक पे बैठा होगा या फिर व्हाट्सएप पे बैठा होगा, उसमें उसने गप्पे, या इंस्टाग्राम पे बैठा होगा तो गप्पे तो मारी होंगी। तो इस तरह से हम बच्चों को बताते हैं कि हमें नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ मालूम भी नहीं हो, हम आपसे पूछते हैं, लेकिन हम इतने भी फुद्दू नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी के चक्कर में हमें बेवकूफ बना दें। सही, ठीक, तो इस तरह से वो हमें जरा सा बैलेंस करके लेकर चलना पड़ता है और वो बच्चे को हम लेकर चल जाते हैं। सही। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरे जहन में कि माशाल्लाह आपकी एज है 56 और आज भी आप मल्टीपल बैचेस पढ़ाते हैं और एक एक बैच में सबसे बड़ा बैच आप ही का बनता होगा, ये भी हमें अंदाजा है, तो आप वो एनर्जी कैसे मेंटेन करते हैं इस एज में भी, क्योंकि ये एक तो हो गया कि बच्चे की साइकी को समझना, लेकिन एक बहुत से लोग होते हैं ना कि वो सोचते हैं यार बस अब मैंने अपने नीचे टीम बना ली और अब मैं बिल्कुल ऑफिस में बैठूंगा और टीम सारा काम करेगी, लेकिन हमें पता है कि शाह कॉमर्स में ऐसा नहीं है। शाह कॉमर्स में फ्रंट से लीड करने वाले नदीम शाह हमेशा अब तक हैं, व्हाट इज द रीजन और आप इसको मैनेज कैसे करते हैं इस एनर्जी को? देखो बेटा ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मसला ही है। सही, अगर आप एक इंसान को बताते ना आपको कैंसर है, सो कैंसर नहीं भी होगा ना वो कैंसर में आ जाएगा। सही, अगर वो, हाँ बिल्कुल सेम, अगर एक इंसान को कैंसर है, ठीक है ना, सही, और उसे कहा ठीक है यार कैंसर है तो क्या हुआ, जिंदगी मौत तो आएगी, मरना तो है, ठीक है ना, मैं लड़ूंगा कैंसर से, वो उसका तो सीरियस नहीं लेता है, आप यकीन करेंगे उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। कि अल्लाह ताला ने हमें अंदर इतनी ज्यादा विल पावर दी हुई है कि हम उसको सस्टेन कर सकते हैं। मेरा मसला बताऊं क्या है, सही, मेरा मसला ये, मैं इस पर छोटा सा किस्सा भी सुनाऊंगा आपको, मेरा मसला ये जी जी कि मेरे सामने जो एक बच्चा बैठा होता है ना, तो मैं ये नहीं समझता हूँ ये मेरा शागिर्द बैठा हुआ है, मैं समझता हूँ ये अल्लाह ने मुझे एक मेरे कौम का बच्चा दिया हुआ है कि जाओ इसकी ट्रेनिंग करो, ये इस मुल्क की बागडोर संभालने वाला बच्चा है और ये काम मैं तुमसे लेने वाला हूं। दो अपनी सलाहियतें ऐसे जो तुमने अपनी जिंदगी में जो तुमने एक्सपीरियंस हासिल किए हैं, पैसों को मत देखना, वो मैं तुम्हें बहुत दे रहा हूं, तुम उस बच्चे से कभी पैसों का जिक्र मत करो, उसके लिए तुमने नीचे लोग बैठे, यानी कि 60% टीचर बदनाम क्यों होते हैं, वो क्लास में फीस का जिक्र करते हैं।
सही हम मेरे कोचिंग सेंटर में सख्ती से मना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग टीचर को पाबंद नहीं करेंगे जाकर क्लास में आप फीस की बात करें। टीचर वही लेट डाउन हो जाता है जब वो फीस की बात करता है अपनी। सही, तो अपने पैसों की बात कर रहा है मुझसे, तो ये एनर्जी कैसे आती है जब मेरे सामने कौम का बच्चा बैठा हुआ है, ये 200 बच्चे बैठे हुए, 5 साल बाद ही बैंकर हैं। मैंने बैंक छोड़ा भी इसलिए था कि मुझसे शौकत तरीन साहब ने कहा था कि बेटा बैंक क्यों छोड़ा, आप तो टू यंग है, आपने DIBP किया, मास्टर्स किया, आपने MBA किया, बैंक में बैठ के पता नहीं क्या क्या पढ़ा आपने, अब आप बैंक छोड़ के जा रहे हैं 97 में। मैं कहा सर यहाँ पर बैठ के मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ, सिर्फ एक सीट पे बैठ के अपना काम कर रहा हूँ। सही, मैं सिर्फ एक बैंक को फायदा पहुंचा रहा हूँ, लेकिन जो काम ये छोड़ के मैं मुस्तकिल करना चाह रहा हूँ उसमें मैं इस मुल्क के लिए फाइनेंसर देना चाह रहा हूँ, मैं बैंकर्स देना चाह रहा हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट देना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा यहाँ पर बैठ के मैं अपने आप को जाया कर रहा हूँ। कह रहा वो काम तो तुम कर रहे हो, मैं कह लेकिन अब उसमें खलल आ रही है, उसमें खलल आ रहा है। सही, अब मैं वो काम वैसे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अब मेरी यहाँ पर प्रमोशन हो रही है, मुझे बैंक को भी अपना टाइम पूरा देना है। अगर मैं बैंक को पूरा टाइम दूंगा तो मैं अपने कॉम को कैसे टाइम दूंगा, अगर मैं अपने कॉम को टाइम पूरा दूंगा तो मैं बैंक के साथ नाइंसाफी करूंगा, तनख्वाह तो मैं ले रहा हूँ बड़ी, एक काम कर रहा हूँ मैं आधा, तो लिहाजा मैंने सोचा कि मैं अपने आप को सर्व कर लूँ, जो मेरा 5 बजे का टाइम है बैंक का वो मैं छोड़कर और मैं सुबह से सर्व कर लूँ अपना टाइम सारा उस नौजवान नस्ल के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो इस मुल्क के कारोबारी लोग बनने जा रहे हैं। वैसे भी हमारा मुल्क तो शौकत तरीन ने कहा कि मैं सलाम करता हूँ आपके जज्बे को, बातें आपकी बहुत बड़ी हैं, अल्लाह करे कि आप इतना बड़ा काम करें। शौकत तरीन का आज सिल्क बैंक है, सिल्क बैंक में तकरीबन 50 के करीब स्टाफ मेरे शाह कॉमर्स के। ये मुलाकात में शौकत तरीन साहब से मेरी बात हुई, कहे नदीम शाह बेटा मुझे तुम्हारी वो बात याद है अब तक, मेरे 8 ब्रांचेस ऐसे हैं जिसके मैनेजर तुम्हारे शाह कॉमर्स के हैं, जो तुम कहकर गए थे ना मैं इस मुल्क को बैंकर देना चाह रहा हूँ, तो इसकी गवाही तो मैं देता हूँ, 50 बैंकर तो मेरे पास है। तुम अगर वही बैंक में बैठे रहते तो आज तुम रिटायर होकर घर में होते, तुमने कोई बैंकर जनरेट नहीं किया होता, और तुमने ऐसे बैंकर जनरेट किए हैं कि वाकई में तुमको बैंकिंग आती है। तो ये आपका जज्बा है। अब जब मैं क्लास में बैठता हूं तो मैं ये सोच के नहीं बैठता हूं, जब मैं ये सोच के बैठता हूं कि नहीं तो मुझे करना है, ये अल्लाह ने मुझसे काम लेना है, तो मैं अपनी उम्र को भूल जाता हूं, फिर मैं अपनी एज को भूल जाता हूं, और मुझसे वो सारा काम, यानी कि मैं आज से 25 साल पहले भी इतनी क्लासें लेता था, मैं आज भी इतनी क्लासें लेता हूं, मैं आज से 25 साल पहले जितना काम करता था अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उससे ज्यादा काम करता हूं, क्योंकि वो अंदर जज्बा है, ये साइकोलॉजिकल जज्बा है, और जिस दिन मैंने ये सोचा कि ये मुझसे नहीं हो सकता तो फिर बेटा उस दिन मुझे वो कैंसर हो जाएगा जिसका मैंने जिक्र अभी किया। जैसे लॉकडाउन में अभी मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, मेरे गले में तकलीफ हो गई तो सब परेशान हो गए कि 11-12 घंटे पढ़ाने वाला बंदा 3 घंटे के अंदर बैठ गया, मैं कहा वजह क्या है, वो जज्बा मेरा खत्म हो गया, मेरे सामने वो नौजवान बच्चे मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे वो चेहरे गुलाब की तरह खिलते हुए चेहरे जो 5 साल बाद दाढ़ी मूछों के साथ किसी ऑफिस में बैठे होंगे, 8 साल बाद वो अपनी शादी का कार्ड लाकर दे रहे होंगे, 9 साल बाद मुझे अपना बेटे बेटे की खुशखबरी सुना रहे होंगे, वो जनरेशन मुझे नजर नहीं आ रही है, तो मेरा वो जज्बा नहीं बन रहा है, मेरा वो पैशन नहीं बन, मैं इंसान को देख के पढ़ाने वाला टीचर हूँ। सही, तो बड़ी मुश्किल से मैंने आपको एडजस्ट किया और माशाल्लाह अब मैं ऑनलाइन क्लास में एडजस्ट हो गया हूं। मतलब मुझे समय, मैं यूं करके हाथ लगा था, यूं करके ना यूं करके, मतलब कोशिश करते मैं बच्चे को टच करूं, तू समझ, तो बच्चे कह रहे सर कैमरा ऊपर है, जो मेरे ऑफिशियल स्टाफ होते थे, सर कैमरा ये नीचे नहीं है, कैमरा ऊपर है, तो आप कैमरे की तरफ जब उंगली करेंगे ना ऐसे तो बच्चा समझेगा, आप उसको कर रहे हैं तो किसी को समझ में नहीं आप किसको इशारा कर रहे हैं। सही, तो बाकायदा हमारे तरीका चौक एक जमाने में होती थी, चौक मार के ना बच्चे को मैं अपनी तरफ मुतवज्जो करता था। सही, क्लास में हालांकि मजहबी घराने ताल्लुक है लेकिन आजकल के बच्चे गाने वाने बहुत पसंद करते हैं। सही, तो हमने क्लास में जो अपना माइक सिस्टम लगाया वो इको सिस्टम है, तो रोजाना नहीं, हफ्ते में एक आध दफा कभी बाबा इको इको, तो बचपन में जरा गाने बजाने का बड़ा शौक था तो वो सारे फंक्शनों में तो नहीं गाए, सारे मजहबी कराना था, वो बाथरूम सिंगर बन गए, वो बाथरूम सिंगर बन गए हम लोग, और शाह कॉमर्स में अपना ये शौक पूरा किया, जो फंक्शन होते हैं उसमें करीब बच्चों का सारा एंटरटेन कर लेते हैं। सही,
तो बच्चे बस जैसे क्लास खत्म होती बाबा इको इको, तो इको लगा के ना दो तीन बोल किसी गाने को सुना देता हूँ। तो फिर हमारे जो क्लास जब खत्म होती है बड़ी एनर्जी से शुरू होती है, एनर्जी से खत्म होती है, तो हमारा नारा लगता है अलर्ट अलर्ट, हमारे शाह कुमार से ट्रेडमार्क है, अलर्ट हो गया अलर्ट हो गया अलर्ट हो गया। तो बस ये एनर्जी इस तरह से आ रही है कि मैंने कभी अपने आप को 56 साल का समझा ही नहीं है। और जब मैं समझूंगा कि मुझसे काम नहीं हो सकता, उसके लिए मैंने अपने बेटे अली शाह को तैयार कर लिया है, तो फिर मैं वहां से क्विट हो जाऊंगा। देखो काम अधूरा और आधा नहीं करना है, पूरा करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। नहीं हो रहा है काम, आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो यार फिर वो काम आप नहीं करो। जैसे कि आपको पता है कि शाह कॉमर्स एक कॉमर्स का ब्रांड है, क्या मुझे कभी सोच में नहीं है कि मैं साइंस का इंस्टीट्यूट खोल लूं? सही। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मिला के कोई 1500-1800 बच्चे होते हैं। सही। क्या इनके बहन भाई साइंस में नहीं, ये मेरे सारे मुरीद हैं बच्चे, मैं इनको घेर के साइंस का सेटअप लगा दूं? लेकिन मुझे पता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो मैं ऐसी चीज में अपना हाथ क्यों डालूं कि जिससे मेरा नाम भी खराब, क्योंकि बच्चा मेरे नाम पर अपने भाई को बिठा देगा, मैं किसी टीचर को लाऊंगा वो क्या पढ़ा रहा है मुझे क्या पता। सही। क्योंकि मैं तो साइंस के सब्जेक्ट नहीं जानता हूँ। सही। इन फ्यूचर ऐसा हमारा प्लान है कि मेरा बेटा उस्मान जो है वो अगर वो पाकिस्तान में रह गया तो बी कर रहा है लास्ट ईयर एनडी यूनिवर्सिटी से ऑटोमोटिव में, उसका प्लान है जर्मनी जाने का, जर्मनी से वो करेगा स्पेशलाइजेशन ये बीएमडब्ल्यू और ये मर्सिडीज वगैरह इसकी। अगर वो वहीं रुक गया तो रुक गया, वापस आएगा तो कह रहा है बाबा फिर मेरे लिए आप साइंस का इंस्टीट्यूट खोल लीजिएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। क्या बच्चे ने हमेशा अपने बाप को देखा ना पढ़ाते हुए, कह रहे मैं ये अपनी एजुकेशन मैं इंजीनियर्स बनाऊंगा बहुत सारे, जैसे आप बहुत सारे बैंकर बना रहे हैं, बिजनेसमैन बना रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग बना रहे हैं, आप टीचर बना रहे हैं, आपने बहुत सारे टीचर बनाए, तो मैं भी ये काम करूंगा। मैं अपनी अपनी सलाहियतों को अपने अपनी इनकम तक महदूद नहीं रखूंगा, अपनी इनकम तो मैं कमाऊंगा लेकिन उन लोगों को सलाहियत दूंगा कि वो अपनी इनकम उससे कमाएं। सही। मैं बच्चे में पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों से कहता हूँ तुम लोग नौकरी के लिए परेशान क्यों हो रहे हो, तुम लोग अकाउंटिंग थोड़ी सीख रहे हो, तुम लोग तो हुनर सीख रहे हो एक। सही। तुम्हें जॉब मिले ना मिले 10 बच्चे लेकर पढ़ाना शुरू कर दो, 2000 रुपए लो 20000 रुपए हो गए, खत्म हो गई बात आराम से। तो ये हुनर है एक, हम टीचर अगर ये समझे हम बच्चे को हुनर के तौर पे समझा रहे हैं तो बच्चा वैसे आप गिरविदा हो जाता है बहुत, और एनर्जी इस तरह से आती है हमें कि जब हम ये सोच के यार ये नौजवान बैठा हुआ है, ये मेरे मुल्क का मुस्तकबिल बैठा हुआ है, अगर ये खराब निकला ये मुल्क और तबाह बर्बाद हो, ये वैसे ही बेचारे बहुत ही बदतमीज है, तमीज तो कभी इनमें आई नहीं। अब अल्लाह ने मुझे दे दिया ये काम, तो मुझे इस काम को सही तरह से अंजाम देना है। सही। तो 10 से 15 मिनट मैं बच्चों की जो है ना काउंसलिंग में लगाता हूँ, उसके बाद में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को समझ में आती है बात है, और मेरी एनर्जी जो है वो सस्टेन रहती है। अच्छा, मैं थकता नहीं हूँ, मैं थक जाता हूँ ठीक, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपनी गाड़ी में बैठ के घर आ रहा होता हूँ तो सोचता हूँ कि देखो अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी नेमत दी है, कितनी शानदार गाड़ी दी है, मैं लियारी का बच्चा था, तो और मोटिवेशन मिलती है मुझे। फिर मैं सोचता हूँ कि आज मैंने 2000 बच्चों को अपना इल्म दिया है, और मोटिवेशन मिलती है। आगे जब दूसरे दिन मैं सेंटर आता हूँ तो कोई बच्चा अपनी जॉब की खबर सुनाता है और कहता है बाबा जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उसे कहा तुम शाह कॉमर्स के पढ़े हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता, कर रहे मैं भी वही का पढ़ा हुआ हूँ, ये जवाब से वही दे सकता है, तो मेरी कितनी मोटिवेशन होती होगी फिर। तो मैं ये काम तो उस वक्त छोड़ूंगा जब ये आंखें बंद हो जाएगी, ये भी आवाज बंद हो जाएगी, भैया वो जज्बा जिसकी वजह से एनर्जी आई हुई है मेरी। अच्छा मैं कह रहा था सर अभी हमने टीचर से तो बड़ी बात कर ली, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैं कह रहा था टीचर से तो काफी बात हो गई, आवाज मुझे नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही बेटा। अब आ रही है सर, आपको आवाज आवाज आ रही है सर? नहीं आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो, बिल्कुल भी नहीं आ रही, साइलेंट है बिल्कुल। नहीं साइलेंट है बेटा बिल्कुल, बाकी पिक्चर बिल्कुल सही ओके है आपकी, स्क्रीन सही आ रही, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, नहीं बिल्कुल हल्की सी भी नहीं आ रही।
बेटा मैं मीटिंग में हूँ। नहीं उमेर आवाज आपकी नहीं है, आपका माइक बंद लग रहा है मुझे, यहां से मुझे आ रहा है कि आपका वॉइस बंद है। चाहिए आप आ रही है? नहीं अभी भी नहीं आ रही है। मैं कमेंट में लिख रहा हूं सवाल। बिल्कुल साइलेंट है, सब कुछ साइलेंट है। एक सेकंड। बिल्कुल साइलेंट है बेटा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, अब आप हाँ ये बेटा मैंने लिख दिया मैसेज सवाल। बच्चों को ये मेरा कि देखिए बेटा हम जिस मुल्क में रहते हैं ना वो मुल्क में तालीम तो वैसी ज़ीरो है, ठीक है ना। और चूंकि हमारा मैसेज भी था, हमारा ये आज का मौजू भी था कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन, आप तालीम हासिल करो डिग्री लेने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए। जब भी आप कहीं जाते हो वो आपकी डिग्री नहीं देखते, उससे वो इम्प्रेस नहीं होते हैं। पहले वो आपका इंटरव्यू सुनते हैं, पहले आपका वो टेस्ट लेते हैं। जब आप उस टेस्ट में काबिल निकल आते हो तो उसके बाद वो आपकी मार्कशीट वार्कशीट देखते हैं। अब अगर आपने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, फिर वो कहते हैं बाकी में आपकी जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो आपके सलाहियतों के मुताबिक हैं। सही। और अगर आपने बहुत अच्छा दिया हुआ है सब कुछ और नंबर आपके कम है तो कहकर देखे हमारे मुल्क में बच्चों के साथ इंसाफ ही नहीं होता, इतना काबिल बच्चे थे कितने कम नंबर आए। अब अगर आपने नल्ले आपने कोई भी जवाब नहीं दिया, टेस्ट भी कुछ नहीं किया और आपकी जो है वो A1 ग्रेड है, तो क्योंकि ये देखें हमारे मुल्क का निजाम ऐसे ऐसे भी A1 ग्रेड हो जाते हैं। क्योंकि मैं तो HR के अंदर हूँ ना बेटा, हम तो इंटरव्यू लेते हैं जब अकाउंट्स का होता है तो एक डिपार्टमेंट है वो मुझे HR वाले बुलाते हैं कि भाई इनका अकाउंट चेक करें। तो यकीन करें बात होगा अकाउंटिंग में 98, 94, 95 नंबर सुन के वो बच्चा अपने मुंह से बोल लेता है कि मैंने छापा था। सही। तो आपकी उस डिग्री का क्या फायदा जिसमें खाली नंबर छप जाते हैं। सही। तो बच्चों के लिए मेरा मैसेज ये है, खुदा का वास्ता है आपके माँ बाप गरीब हैं बहुत, मुझसे ज्यादा गरीब नहीं थे, लेकिन देखिए मैंने अपने इल्म से, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत ये मकाम दे दिया कि मैं आप लोग का उस्ताद बन गया, फिर डिसीशन मेकर बन गया। मैंने बैंक जैसी नौकरी छोड़ दी, वो नौकरी जिसका मैंने ख्वाब देखा था, सिर्फ इसलिए कि मैंने, मुझे पता था कि मैं इससे ज्यादा बेहतर काम यहाँ कर सकता हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और मुझे एक दिन भी, मतलब आज जो लॉकडाउन में बैठा हुआ सेंटर की फीसें नहीं आ रही हैं मुझे, और मेरे बैंक के जितने दोस्त हैं उन सबको पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, सही। उस रिटायर भी हो गया, घर में पैसे मिल रहे हैं, मुझे एक दिन भी जिस दिन 1997 मैंने बैंक छोड़ा था उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने बैंक क्यों छोड़ा। मेरे बच्चे उनके पास नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, उनसे मदद मांगने नहीं जाते हैं, उनके बच्चे आकर मुझसे पढ़ते हैं। तो ये जो एक चेंज है ना बहुत बड़ा, ये आपके अपने हाथ में है। प्लीज अब्बा अगर दौलतमंद है ना आपके, पैसा उनके पास बहुत है, तो इतने काबिल बनो कि अब्बा की दौलत को या एक तो रोक लो, दूसरा उसको मल्टीप्लाई करो, तो तुम काबिल हो। फिर अब्बा की दौलत तुमने वहीं रखी, वहीं तो तुम रख भी, तो नीचे की तरफ आएगी। काबिल इंसान ही अपने बाप की दौलत बचाएगा, तुम्हें अपने अब्बा की दौलत बचानी है और अपनी काबिलियत से पर उसको बढ़ानी है। जैसे स्टूडेंट बिरयानी, सही। जैसे मजेदार अलीम, ये छोटे छोटे से वो थे, रेस्टोरेंट थे, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद इम्तियाज सुपरमार्केट, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने अपने अब्बा के कारोबार को संभाला, संभालने के बाद अपने अब्बा के कारोबार को 4, 5, 10, 15 गुना बढ़ा दिया। तो अगर आप दौलतमंद हैं तो ये समझे कि वो दौलत एक मिनट में आपकी खर्च हो जाएगी। बेटा 20,000 रुपए जेब में डालो और तारे रोड के चक्कर लगा के आ जाओ, पैसे कम पड़ जाएंगे, और अभी 20,000 रुपए कमा के दिखा दो मुझे। ये पैसा दोस्त नहीं है आपका,
ये बेवफा है, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आपने आपको इतना काबिल बनाओ कि पैसा आपकी जेब में उड़ उड़ के आता हो, आप कभी पैसों के लिए परेशान ना हो। उसके लिए आपका काबिल होना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज डोंट गो विथ शॉर्टकट, शॉर्टकट के साथ मत जाइए। शॉर्टकट में मिसाल आप सीधे गली में जा रहे हैं, सीधा आपकी नई गाड़ी ब्रांड न्यू चमचमाती सी जाए, ट्रैफिक जैम था, आपने कहा कि इस गली से गुजर जाओ, जरा मैं शॉर्टकट में जल्दी पहुंच जाऊंगा। आप गली में मुड़े, वहां एक खड्डा था, खड्डे में आपकी गाड़ी गिर गई, आपके व्हील सस्पेंशन सब खराब हो गए, गली इतनी पतली थी कि साइड से स्क्रैच लग गया, एक मोटरसाइकिल वाला आया वो स्क्रैच मार के, तो आपको किसने बोला था कि शॉर्टकट हो भाई, थोड़ा सब्र कर लेते, सिग्नल खुल जाता फिर चले जाते। जो लोग शॉर्टकट लेते ना बेटा बच्चा, वो कभी भी आगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि शॉर्टकट पे बताओ, अपने आप को काबिल बनाओ। ये नकल करके नंबर लाने का कोई फायदा नहीं है। बताओ क्या है, दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान कौन होता है? जो अपने आप को बेवकूफ, अपने आप को धोखा देता है। नकल करके पास करने का मतलब है कि आप अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं। तुम्हें पता है कि तुम, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, और बड़े फकर से आकर वार कहते हो कि यार मैंने दबा के छापा, मुझे पता है कि मेरे बच्चों का जो कोर्स है वो सब आउटडेट है, मुझे पता है कि आज मेरे बच्चे को मैट्रिक क्लास में डॉस पढ़ाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है। वो बच्चा कहता है मैं तो आईफोन आईओएस पता नहीं क्या क्या मुझे मालूम है, तू मुझे, आप बच्चे को एप्स बनाना सिखाए मैट्रिक में, ये उनको आता है सारा कुछ। सही, मुझे आपकी तकलीफ मालूम है अपने बच्चों की, कि उनका जो कोर्स है वो आउटडेट है, इससे वो तो बोर है। हम लोग को क्यों मजा आता था? क्योंकि जो चीज हम पढ़ते थे वो हमें काम में नजर आता था। आज बच्चा वो चीज पढ़ रहा है जो हम पढ़ते थे, लेकिन काम उसे कंप्यूटर पर। बच्चे को डॉस पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को मॉनिटर के बारे में, डिफाइन मॉनिटर, अरे बच्चे को तो मॉनिटर के बारे में पूछ रहे हो। बच्चे को बताओ ये फेसबुक जो बना हुआ है ऐप, ये कैसे बनता है? व्हाट्सएप का ऐप कैसे बना हुआ? आपको अपनी ऑनलाइन का ऐप, बच्चे को मैट्रिक के, भाई इतना समझदार बच्चा है, मैट्रिक से निकलने के बाद इसको ऐसा कंप्यूटर आप पढ़ाओ कंप्यूटर साइंस में कि ये अपने एप्स बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए, तो आपने कंप्यूटर पढ़ा है। वरना इस वक्त जो आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हो ना, ये बच्चों को आप बेवकूफ बना रहे हो, और बच्चा भी बेवकूफ बन रहा है। तो मुझे मालूम है मेरे बच्चे जो इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो बिल्कुल आउटडेट है। हमारी जो एजुकेशन थी वो आउटडेट नहीं थी, कि जो चीज हम किताबों में पढ़ते थे बैंकों में जाकर वही काम करते थे। आज बच्चा वही चीजें पढ़ता है जो हमने पढ़ी है, लेकिन बैंकों में सारा निजाम, इंडस्ट्रीज में सारा निजाम कंप्यूटराइज है। सही। तो ये हमारा कोर्स आउटडेट है, ये हमारे बच्चों की तकलीफ है, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन को जब करंट जॉब्स या करंट काम से मैच करता था, उसको मैच नहीं मिलता, तो लिहाजा उसको उस काम में, देखो एक बच्चे को पता है मैं काम करूंगा तो ये काम जब मैं सीखूंगा और जब मैं करूंगा, सही, जब मैं करूंगा जी जी, तो मुझे इसका फायदा होगा। आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, साइकिल चलाना उसने सीख ली, अब आपने गाड़ी पकड़ा दी उसको, कहा रोड पे ले जाओ, वो तो कह रहे मैं कभी स्टेयरिंग में नहीं बैठा हूं भाई। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सिखाते हैं हम साइकिल और काम लेते हैं उससे गाड़ी का। सही। तो मेरे बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेहनत करें, और जैसा भी हमारा थोड़ा बहुत निजाम है, इस निजाम के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, काबिल बने, बादब बने, और कुछ ना कुछ हुनर जरूर सीखें। सही। आर्ट सीखें। आपको गिटार बजाने का शौक है, बजाओ यार। आपको तबला बजाना है ना, ढोल बजाओ यार। आपको गाना गाना है ना, गाओ यार। अकल आएगी खुद छोड़ दोगे। आपको क्रिकेट खेलना, दबा के खेलो। फुटबॉल खेलना, दबा के खेलो। तुम्हारी पढ़ाई का इस पर हर्ज नहीं आएगा। सही। जब ये शौक तुम करोगे ना, तो फिर जितने शौक से तुम ये काम कर रहे हो, इतने शौक से फिर अपनी पढ़ाई भी करना, फिर तुम्हें मना करने वाला कोई भी नहीं होगा। तुम क्या करते हो, मोबाइल पे लग गए तो मोबाइल लग गए, तुमने पढ़ाई छोड़ दी, दोस्तों में खड़े हो तो अपने आप को डिसिप्लिन करो, तो आप देखो ये तुम्हारे माँ बाप भी कहेंगे मेरा बच्चा दुनिया का सबसे बेहतरीन बच्चा है। मैं आज भी क्रिकेट खेलता हूँ, आज भी खेलता हूँ, हार्ड बॉल से खेलता हूँ, नौजवान बच्चों के साथ खेलता हूँ,
और आधा आधा एक एक घंटा बैटिंग करता हूँ मैं, जो बच्चे फेसबुक में ऐड है मेरे पास और जो बच्चों ने फिजिकली मुझे खेलते हुए देखा है, वो कहते हैं आपको तो वही स्टाइल है जो क्रिकेटर्स का होता है, क्योंकि मैं खेलता आ रहा हूँ ना, सही, मैंने अपना शौक नहीं छोड़ा। मैं गाना भी गाता हूँ क्लास में, तबला बजाने का शौक है, मैं वो भी बजाता हूँ। इसको प्रोफेशन नहीं बनाया हमने, लेकिन शौक का तो मोल है। देखो आपको बहुत शौक है स्विमिंग करने का, सही यार आप स्विमिंग का शौक ही पालो, पूल पे खड़े रहो, आप कभी स्विमिंग नहीं सीखोगे, सही, आपको कूदना पड़ेगा उसमें, आप सही। कूदो ना, आप कूदोगे आपको स्विमिंग आ जाएगी एक महीने के अंदर, ऐसा तैरोगे तुम्हें खुद हैरत होगी कि यार ये मुझे क्यों नहीं आ रही थी, ये तो बहुत आसान है। क्योंकि जब इंसान को काम आ जाता है तो वो काम उसको आसान लगता है, आसान लगता है। इलेक्ट्रिशियन आया मेरे सेंटर में, लाइट जल गई थी तो इलेक्ट्रिशियन आया, पंखा सही कर रहा है, पंखा सही करके वो चला गया, सही। नीचे बैठा तो मुझे हमारे एडमिन को कह रहा है यार वो आदमी जो है ऊपर 250 बच्चों को पढ़ा रहा है, इतना मुश्किल काम कर रहा है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। इत्तेफाक से मैं नीचे उतरा, मैंने कहा आपने मुझे ऊपर देखा, आपने अभी कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं एक काम आप मुझसे ज्यादा काबिल है। करे क्यों कैसे, मैं कहा जो काम आप कर रहे थे ना वो काम मैं नहीं कर सकता, आप अपने फील्ड का मास्टर ना मैं अपनी फील्ड का मास्टर हूँ, सही। तो जो काम आप कर रहे थे ना अल्लाह उसी का शुक्र अदा करो आप वो काम कर सकते हो, क्योंकि जो काम सीख जाते ना बेटा वो काम हमें आसान लगता है, सही। जब फर्स्ट टाइम ये फेसबुक पे मैंने इंटरव्यू दिया था सेकंड रमजान को, तो कनेक्ट मुझसे नहीं मेरा बेटा कनेक्ट कर रहा था, आज मैंने खुद कनेक्ट किया क्योंकि मुझे आ गया, सही। ऑनलाइन क्लासेस मुझे लेना नहीं आती थी, आज मैं बच्चों को खुद बुला के ऑनलाइन ले लेता हूँ, कितने 20-25 दिन के अंदर मैं सीख गया। तो जिस चीज को आप करना चाहते हो ना उसको शुरू कर दो, वो काम आपका हो जाएगा, जब आप करने ही नहीं चाहोगे तो वो काम आपका नहीं होगा। उमेर आपकी आवाज तो मुझे नहीं आ रही है, अब आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल साइलेंट है उमेर, अब आ रही है सर, आपको आ रही है आवाज नहीं आ रही सर आवाज, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी दुआएं आपके साथ है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग ये काम कर रहे हैं और इस काम को कीप इट अप जारी रखिएगा, करते रहिएगा। और देखिए यह भी आपका शौक है ना, आपको टीवी चैनल में आने का शौक होगा कि वहां इंटरव्यू करूँ, नहीं कर सकता तो आपने यहाँ से शुरू कर दिया, एक बात आएगा कि मैं ARY में बैठकर आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे होंगे, तो बस काम करें और ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल एक बच्चा है मेरा ओवैस, उसने इंटरव्यू किया था तो मेरे साथ बिठाया था एजाज फारूकी साहब के बेटे को, अरसलान को, सही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सीनियर आदमी बैठा हुआ है और एक जो है वो 35 साल का या 30 साल का या 32 साल का बच्चा बैठा हुआ है, मैं उससे नई बातें सीख रहा था, वो मुझसे मेरा तजुर्बा सीख रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा वो। तो आपको ये कहता हूँ कि आप ना एक वक्त में दो ऐसे स्पीकर को लिया करें, एक जो यूथ यंग लड़का हो 20-25 साल का, एक 23 साल का जिसने कुछ अचीवमेंट किया हो, और एक किसी बड़ी एज का लें। मुझे कल का इंटरव्यू उनका बहुत अच्छा लगा, आपका भी बड़ा, बहुत मजा आया मुझे, रियली बहुत मजा आया कि आज तो खाली 1-to-1 मैं था ना, तो लेकिन अगर कोई और भी साथ होगा तो उसमें ये होगा कि उसकी पॉइंट ऑफ व्यूज भी आएंगे तो मैं उसको डिबेट करूंगा, वो मुझे डिबेट करेगा तो बड़ा मजा आएगा। तो इस तरह आप एक सीनियर को ले और एक ऐसा जो यंग लड़का है ना उसको ले, मिसाल के तौर पे आपने मैं आपको एग्जांपल जावेद मिराज को ले लिया, जावेद मिराज के साथ आपने सरफराज को ले लिया, सही। तो ये दो चीजें जो आएंगी ना सामने तो लोगों को जो पॉइंट ऑफ व्यूज मिलेंगे और जो उनको एक्सपीरियंस मिलेगा वो तबाह का एक्सपीरियंस होगा, वो अपनी माजी की बातें बता रहे होंगे और हाल का मसला बता रहे होंगे,
और वो हाल की बातें सोचकर फ्यूचर की बातें बता रहे होंगे। ठीक है बेटा उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी बेटा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज।